अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा मैसेज है चीख कर बात नहीं करनी, चीख के बात नहीं करनी। साइंस क्लास 3 यूनिट नंबर 3 लिविंग ऑन अर्थ, पेज नंबर अपना 23 ओपन कर लें। आज हम साइंस का लेसन पढ़ेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द लेसन। पार्ट 2 लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स होती हैं जानदार चीज़ें। यूनिट नंबर 3 लिविंग जानदार चीज़ें ऑन पर अर्थ ज़मीन। रिकॉल कर लेते हैं कि हमने पीछे क्या सीखा है। देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन अर्थ। प्लांट्स नीड एयर वाटर एंड सनलाइट टू ग्रो, के पौधों को हवा पानी और सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है ताकि वो बढ़ सकें। सम यंग एनिमल्स लुक लाइक देयर पेरेंट्स, अदर्स डू नॉट। एनिमल्स लिव ऑन लैंड इन वाटर एंड सम कैन फ्लाई इन द एयर, कि कुछ जानवर ज़मीन पर रहते हैं जिंदा, कुछ पानी में, कुछ उड़ते हैं और कुछ हवा में उड़ते हैं। नेक्स्ट है, एनिमल कैन बी डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू व्हाट दे ईट, के एनिमल्स जो हैं वो ग्रुप के लिहाज से बटे होते हैं। व्हाट दे ईट, के वो क्या खाते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव स्पेशल पार्ट्स विच आर यूज्ड इन डिफरेंट वेज। सम एनिमल्स आर वाइल्ड, कुछ जानवर जो हैं जंगली होते हैं। सम आर डोमेस्टिक एंड सम वी कीप एज पेट्स, के कुछ जो हैं हम उनको पेट्स के तौर पे भी घरों में रख लेते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं कि वो जंगली होते हैं, कुछ होते हैं डोमेस्टिक और कुछ होते हैं जिनको हम एज अ पेट रख लेते हैं। वी गेट फूड एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स फ्रॉम एनिमल्स, कि हम खाने के अलावा भी जानवर से बहुत सी चीज़ें हासिल करते हैं। वी शुड प्रोटेक्ट एनिमल्स, हमें चाहिए कि हम जानवरों का ख्याल करें। नाउ वी लर्न वी यू विल लर्न दैट ऑल एंड ऑल लिविंग थिंग्स मूव ग्रो टेक इन फूड फील ब्रीथ एंड रिप्रोड्यूस। ऑल लिविंग थिंग्स, तमाम जानदार जो चीज़ें हैं मूव हरकत करती हैं, ग्रो बढ़ती हैं, फूड खाती हैं, फील महसूस करती हैं, ब्रीथ सांस लेती हैं एंड रिप्रोड्यूस दोबारा वो और रिप्रोड्यूस करती हैं। हैबिटेट्स आर द नेचुरल होम्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट। नेक्स्ट है, प्लांट्स एंड एनिमल डिपेंड ऑन ईच अदर टू सर्वाइव, के पौधे और जानवर जो हैं डिपेंड करते हैं ईच अदर एक दूसरे पर टू सर्वाइव, जिंदा रहने के लिए। अ ग्रुप ऑफ इंट्रैक्टिंग लिविंग थिंग्स एंड देयर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम, जानदार चीज़ों का एक दूसरे पर असर डालने वाला जो ग्रुप होता है इस और इसका माहौल क्या कहलाता है। इकोसिस्टम क्या कहलाता है। इकोसिस्टम, हैबिटेट्स एंड इकोसिस्टम कैन बी बाय नेचुरल डिजास्टर एंड ह्यूमन एक्टिविटीज। हैबिटेट्स एंड इकोसिस्टम कैन बी डिस्पैच्ड बाय नेचुरल डिज़ास्टर एंड ह्यूमन एक्टिविटी। इस लाइन का मतलब है, यानी जानवरों की रिहाइशगाह में माहौलियाती निज़ाम में कुदरती आफात और इंसानी सरगर्मियों से हलल पड़ता है। सम एनिमल्स आर अनडेंजर्ड एंड सम एंड अदर आर एक्सटिंट। Some animals are endangered and others are extinct, कि कुछ जो जानवर हैं
वो ख़तरे से दो चार हैं और कुछ जो हैं नापैद हो चुके हैं, मतलब कि ख़त्म हो चुके हैं, जैसे कि डायनासोर वगैरह। वी कैन हेल्प टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, वी कैन, हम कर सकते हैं हेल्प मदर टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, ठीक है, कि हम माहौल को महफूज कर सक करके उनकी मदद कर सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द लेसन। एल आई वी आई एन जी लिविंग, टी एच आई एन जी एस थिंग्स लिविंग थिंग्स जानदार चीज़ें, एम ओ वी ई मूव हरकत करती हैं, जी आर ओ डब्ल्यू ग्रो बढ़ती हैं, ई ए टी ईट, ओ आर ओ टी ए के ई टी एक, आई एन इन, एफ डबल ओ डी फूड, एफ डबल ई एल फील, बी आर ई ए टी एच ई ब्रीथ, ए एन डी एन, आर ई पी आर ओ डी यू सी ई रिप्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस दोबारा पैदा करती हैं, लिविंग थिंग्स मूव ग्रो ईट और टेक इन फूड फील ब्रीथ एंड रिप्रोड्यूस, के जानदार चीज़ें हरकत करती हैं, बढ़ती हैं, खाना खाती हैं, फील करती हैं, ब्रीथ यानी सांस लेती हैं एंड रिप्रोड्यूस दोबारा पैदा करती हैं। एन ओ एन नॉन, एल आई वी आई एन जी नॉन लिविंग, टी एच आई एन जी एस थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स, सी ए एन कैन, एन ओ टी नॉट कैन नॉट, डी ओ डू ए एन वाई एन ए ओ एफ ऑफ, टी एच ई एस ई दीज, टी एच आई एन जी एस थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स, यानी नॉन लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स जानदार जानदार चीज़ों जैसी ऐसी कोई हरकत नहीं करती, जैसे कि नॉन लिविंग थिंग्स ना तो मूव करते हैं, ना ग्रो करते हैं, ना ईट करते हैं, ना फील करते हैं, ना ब्रीथ करते हैं, ना ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। जो चीज़ें ये कर सकती हों, मूव कर सकती हों, ग्रो कर सकती हों, ईट कर सकती हों, फील कर सकती हों, ब्रीथ कर सकती हों, रिप्रोड्यूस कर सकती हों, वो लिविंग थिंग्स होती हैं, और जो ना कर सकती हों वो क्या होती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स। नेक्स्ट है एम ओ वी ई एम ई एन टी मूवमेंट, मूवमेंट हरकत, ए डबल एल आर पी एल ए एन टी एस प्लांट्स, ए एन डी एन ए एन आई एम ए एल एस एनिमल्स, एम ओ वी ई मूव ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स मूव, तमाम पौधे और जानवर हरकत करते हैं, पी एल ए एन टी एस प्लांट्स पौधे, एम ओ वी ई मूव हरकत करते हैं, ओ एन एल वाई ओनली आ एल आई डबल टी एल ई लिटल प्लांट्स मूव ओनली आ लिटल पौधे थोड़ी सी हरकत करते हैं, टी एच ई वाई दे डी ओ डू एन ओ टी नॉट, एम ओ वी ई मूव एफ आर ओ एम फ्रॉम पी एल ए सी ई प्लेस टी ओ टू पी एल ए सी ई प्लेस, दे डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, कि वो जगह से जगह हरकत नहीं करते, जैसे कि जानवर एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, पौधे एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, इसलिए पौधे थोड़ी सी हरकत करते हैं, बी यू टी बट लेकिन, टी एच ई आई आर देयर, एल ई ए वी ई एस लीव्स, ओ आर और एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर एस फ्लावर्स, एम ए वाई मे एम ओ वी ई मूव, लेकिन इनके पत्ते और फूल शायद हरकत करते हैं, एग्जाम्पल्स दिए हैं उन्होंने, टी एच ई द पी ई टी ए एल एस पेटल्स, पेटल्स कहते हैं पत्तियों को, ओ एफ ओ ऑफ टी एच ई द एम ओ आर एन आई एन जी मॉर्निंग, जी एल ओ आर वाई ग्लोरी, ओ पी ई एन ओपन, ई ए सी एच ईच एम ओ आर एन आई एन जी मॉर्निंग, द पेटल ऑफ द मॉर्निंग ग्लोरी, मॉर्निंग ग्लोरी इस पौधे का नाम है, मॉर्निंग ग्लोरी, ये जो फ्लावर्स आपको एक पौधा बना दिखाई दे रहा है इसका नाम क्या है, मॉर्निंग ग्लोरी, ओपन ईच मॉर्निंग, के मॉर्निंग ग्लोरी की जो पत्तियाँ हैं वो हर सुबह खुल जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टी एच ई द एस यू एन सन एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर फ्लावर, द सन फ्लावर, टी यू आर एन एस टर्न आई ई आई टी एस इट्स, एफ ए सी ई फेस, टी ओ डब्ल्यू ए आर डी एस टूअर, टी एच ई द एस यू एन सन, सन फ्लावर यानी सूरजमुखी का फूल, सूरजमुखी का फूल, यानी वो कह रहे हैं कि जो सूरजमुखी का फूल है वो सूरज के साथ अपना जो फेस है वो टर्न कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट है
animals, animals, use, use, their, there, legs, legs, to, move, move, to, search, for, food, or, to, escape, escape, from, from, their, there, animals, animals. Animals use their legs to move, to search out for food or to escape from their enemies. यानी जो जानवर हैं वो खाना ढूंढने और हरकत करने के लिए अपनी टांगों का इस्तेमाल करते हैं और साथ ही साथ वो अपने दुश्मनों से बचने के लिए भी अपनी टांगों का इस्तेमाल करते हैं. वो किन किन चीज़ों के लिए अपनी टांगों का इस्तेमाल करते हैं? मूव, हरकत करने के लिए, फूड, सर्च फॉर फूड, खाना तलाश करने के लिए, escape from enemy, their enemies, यानी अपने दुश्मनों से बचने के लिए. animals, animals, with, with, or, ut, out, legs, legs, crawl, crawl, or, or. Animals without legs, crawl, के जिन जानवरों की टांगे नहीं होती वो रेंगते हैं. ओ आर और, एस एल आई डी ई, स्लाइड, बी वाई बाय, एम ओ वी आई एन जी, मूविंग, टी एच ई आई आर, देयर, बी ओ डी आई ई एस, बॉडीज, और कुछ स्लाइड करते हैं अपनी बॉडी के जरिए, यानी मूवमेंट करते हैं अपनी जिस्म के जरिए. एस ओ एम ई, सम. ए एन आई एम ए एल एस, एनिमल्स. एच ए वी ई, हैव. डब्ल्यू आई एन जी एस, विंग्स. ए एन डी एन सी ए एन, कैन. एफ एल वाई, फ्लाई. सम एनिमल्स हैव विंग, के कुछ जानवर पर रखते हैं. एंड कैन फ्लाई, और वो उड़ सकते हैं. थ्री क्लास, उम्मीद है कि आपको इस न्यू चैप्टर की अच्छे से समझ आ गई होगी. ये आज हमने स्टार्ट किया है यूनिट नंबर 3, लिविंग ऑन अर्थ. और जो जितना भी आपको पढ़ाया आपको उसकी अच्छे से समझ आ गई होगी. आपने इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है. रिकॉल, यू विल लर्न. इस पे गौर कीजिएगा कि हमने क्या पढ़ा है और हमने क्या सीखा है. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.